आज पेपर है 12वीं का पॉलिटिकल साइंस का। आओ जल्दी से पेपर को सॉल्व करते हैं। तो पेपर कोड है ए और पहले का आंसर है 1947। भारत के लिए अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन त्रासदी का वर्ष क्या था? तो वो है 1947। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय जनसंघ की स्थापना निम्नलिखित वर्ष में हुई थी? तो वो हुई थी 1951 में। सेट ए का तीसरा क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो सही आंसर है ए, 1951 में। चौथा क्वेश्चन है, पांचवें आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? इंदिरा गांधी। ए ऑप्शन सही है। उसके बाद है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, राजीव लोंगावाला समझौता कब हुआ था? तो सही आंसर है 1985। छठा क्वेश्चन है, दक्षिणी एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ए ऑप्शन जो है वो आपका इसका राइट आंसर बनेगा। सातवां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो डी ऑप्शन सही है। पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का क्या कारण है? तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ए सेट चल रहा है। अब है क्वेश्चन नंबर नौ। क्वेश्चन नंबर नौ में है, मंडल आयोग की सिफारिश को प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह जी ने लागू किया जाना था। क्वेश्चन 10 का जो आंसर है वो रहेगा लद्दाख। क्वेश्चन 11 का जो आंसर है, पहले में आएगा 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। सही मिलान करें में 12वें का है रेल हड़ताल, तीसरा ऑप्शन जॉर्ज फर्नांडिस। 13 क्वेश्चन शॉक थेरेपी, संपत्ति का निजीकरण, निजी स्वामित्व। 14 का है 4 1989 और 15वें का है यूरोप में यूरो की शुरुआत 2002 में हुई। सेट ए में 16वां क्वेश्चन, आपातकालीन के दौरान हुए किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो वो है 42वां। फिर आपका जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ये हम सब जानते हैं, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। उसके बाद 21वीं सदी के दृष्टिकोण पत्र पर किन देशों ने हस्ताक्षर किए? तो पहला है आपका इंडिया, चाइना, रशिया, यूएसए, यूके, फ्रांस और यूएई। उसके बाद अगर भारत के विदेश नीति का एक सिद्धांत बताएं तो वो गुटनिरपेक्ष हो सकता है, बाकी आप अलग भी हो सकते हैं आंसर। 20वें का क्वेश्चन का आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, ठीक है। अभी कथन ए एंड एवं कारण आर दोनों सही हैं, परंतु आर अभी कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है।